दोस्तों बता दे, अभी रात का 8:30 बज रहा है और अभी हमको गेहूं उठाने जाना है छत पे। आया तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। है गांव से, उसी को उठाने जाना है। तो हम जा रहे हैं अभी लाइट मार के काम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते। देखिए, तो हम लोग अपने मकान के छत पे आ गए हैं और यहाँ सारा जगह देख ही सकते हैं, गेहूं फैला हुआ हुआ है। है। अब इस इसी सब सबको को वॉशिंग देखना रिटर्न है, करना है। अंधेरा है, पूरा गेहूं दिख है इस सब नहीं आदमी को। रहा होगा आप लोगों को ठीक से, लेकिन हम पूरा कोशिश समझते करते हैं हैं आप लोगों को दिखाने का। देख सकते हैं कि हम लोग आ गए हैं और अब हम बस अपने काम में लग ही गए हैं। गेहूं समेटने का काम धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। अब सारा काम अकेले ही करना है, इसलिए हम फटाफट हम काम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम हम किए हैं आज, बता ही दिए आप लोगों को, देख ही सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो धूल उड़ रहा है वो हम बाल्टी से जो गेहूं फेंक रहे हैं ना, उसका धूल उड़ रहा है। वही आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है, देख रहे हैं। रात के 8:30 नहीं नहीं 8:30 हो रहा है और हम अकेले काम कर रहे हैं। कोई अभी तक साथ देने वाला नहीं आया। बोली थी बहन की आएंगे, लेकिन अभी तक का नहीं आई है। ठीक है, कोई नहीं, अकेले ही कर देंगे हम। देख सकते हैं बाय गॉड, हम नया रास्ता इख्तियार किए हैं समेटने का गेहूँ को, इसलिए नया। हालांकि बच्चा सबको काम करना चाहिए ताकि सेहत थोड़ा दुरुस्त रहता है काम करने से। खैर, देख रहे हैं मेरा तो कुछ ज़्यादा ही सेहत दुरुस्त है इसमें। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि धूल इतना उड़ रहा है ना, गंदा इतना है ना गेहूँ, इस वजह से। खैर, अब आप देख सकते हैं मेरी बहन आ गई है काम करने। तब हम काफ़ी ज़्यादा काम कर ही दिए थे, वो भी आ गई है, तो साथ में मिल के काम करेंगे और काम तो हो ही जाएगा। काम कर सकते हैं हम, लगा लगा सब समेट लीजिए। अरे क्या हुआ, बंद करो ना। तो भाई लोग, आप लोग देखें कि हम कितना ज़्यादा मेहनत करके रात के 8:30 अभी 9 बजने वाला है, 9 बजे हमें सारा काम ख़त्म किए हैं। पसीना से तरबतर हो गए हैं। अब बस पूजा रूम में आए हैं, पूजा करेंगे थोड़ा सा और जाएंगे फिर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स, लव यू।